ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कानपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत द स्ट्रीट कैफे में चल रहा है हुक्का और बार वालाओं का व्यापार। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। कानपुर नगर अपने उद्योगों के नाम से प्रसिद्ध है और यहां पर सुई से लेकर मिसाइल तक बनाई जाती है। वहीं कानपुर नगर के बीच में स्थित परेड क्षेत्र में स्ट्रीट कैफे नाम से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसमें हमारी टीम जब पहुंची तो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच में आरामदायक गद्दों पर युवा लेटे हुक्का पी रहे थे और उनके करीब बैठी लड़कियां हुक्के के पाइप से हुक्का मिलाकर पी रही थी। हमारे संवाददाता के पहुंचते ही लड़के लड़कियां इधर उधर भागने लगे। रेस्टोरेंट का मालिक आरिफ कुरैशी मौके पर मौजूद पत्रकारों से कहने लगा कि कोई फायदा नहीं है, हमारी कोतवाली इंस्पेक्टर से सेटिंग है, तुम हमारा हुक्का बार बंद नहीं करवा पाओगे। इस मामले पर जब सीओ कोतवाली से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने छापा मार कर दो व्यक्तियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन मौके पर कोई हुक्का या कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। अब देखना यह है कि हमारी टीम जिसने पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद करके सीओ को दिखाया है, वह कौन सी नई जांच करते हैं और क्या पाते हैं। इस मामले पर शहर के कप्तान का कहना है कि यदि हुक्का रेस्टोरेंट में कोई पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो कार्यवाही होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जब भारत सरकार ने हुक्का रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून बना दिया है तो हुक्का बार कैसे चल रहा है। कहीं ना कहीं क्षेत्र के दबंग व्यक्ति का इस रेस्टोरेंट बार को चलाने का मामला सामने आया है, जिसके कारण पुलिस कोई कार्यवाही करने से झिझक रही है और मात्र जांच पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर का क्या असर होता है और शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार कब तक बंद होंगे। प्राइम न्यूज 24 से सलन तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पास अगर वीडियो तो आप दे दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया कर्मियों के पास जो वीडियो हो एक पेन ड्राइव पे दे दीजिए, सारी चीजें जाके क्लियर हो, क्योंकि आपके फुटेज जो आ रहे हैं एच वाई जा रहे हैं। सर आपको, सर आज से एक दिन पहले सर आपको संज्ञान दे दिया गया, सर बिल्कुल संज्ञान में दिए गए, हमने उसको अपने ढंग से उसकी रेकी करवाई है और चेक करने के ऐसी गतिविधियां मिलने पे ही डेट डाली जाए, क्योंकि लड़कियां मौजूद होती हैं उसमें, उस समय हमें सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है अगर ऐसा होता है तो। आरोपी नहीं पकड़े हैं अभी पूछताछ के लिए उनको, कि किस लिए आए हुए थे, कैसे आए। लेकिन सर उनमें से दोनों लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, दूसरे लोग थे वहाँ पर, बदले गए। कौन सा व्यक्ति बदला गया? सर आपको आज से 13 घंटे पहले सर आपको सूचित करा दिया गया था। 13 घंटे नहीं, कल मुझे सर आपको आज से सर 13 घंटे पहले सूचित करा दिया गया था सर। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, जब तक सर मीडिया कर्मी जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे सर, उसके बाद कोई कार्रवाई, जब मीडिया कर्मी जब आपको सर सूचना दी उसके बाद सर आपने दोबारा कार्रवाई करी। हाँ, इसका जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ जी, कि वहाँ पर लगातार मेरे द्वारा रेकी की जाती रही, उसको चेक किया जाता रहा कोई संदिग्ध बात है या नहीं है, वो लड़कियाँ भी अभी आरोपी आपके द्वारा कही जा रही है आरोपी हैं या नहीं है, उनको साधारण पूछताछ के लिए अभी रखा गया है।